राम 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 राम। बच्चों कैसे हो? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पक्का? अच्छा एक मिनट, मुझे आज का शेड्यूल देखना है। अच्छा तो आज टेस्ट है बेटा। मुकेश खड़े हो जाओ। जी गुरुजी। तुम्हें मैंने होमवर्क करने के लिए, तुमने किया है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं किया? गुरुजी लाइट नहीं थी। अच्छा लाइट नहीं तो मोमबत्ती जला लेते। गुरुजी माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? गुरुजी माचिस पूजा घर में थी। तो पूजा घर से ले आते। गुरुजी नहा नहीं था ना। नहाए क्यों नहीं थे? गुरुजी पानी ही नहीं था। पानी क्यों नहीं था? गुरुजी मोटर नहीं चल रही थी। अब ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? कितनी वर्दशा में लाइट आई नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम्हें बहाने ही चाहिए बस काम ना करने के। अच्छा एक और सवाल पूछता हूँ तुमसे, एक मिनट। जो दही जमाने वाला कौन सा परमाणु होता है? गुरुजी ठिकाण। अच्छा बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो अगला बेटा रमेश। जी गुरुजी। अच्छा तो एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, अगर तुम्हें एक तरफ पैसा मिल रहा हो और दूसरी तरफ जो है अकल मिल रही हो तो तुम क्या चुनोगे? गुरुजी मैं तो पैसे चुनूंगा। नहीं नहीं बेटा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पैसे की जगह अकल चुनता। जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वही चुनता है। बदतमीज कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, बैठ जाओ नीचे। अच्छा अगला बेटा महेश, खड़े हो जाओ। और बेटा कैसे हो? बढ़िया सर। अच्छा तो एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, अच्छा ये बताओ कौन सी चिड़िया सबसे ऊंची उड़ सकती है? हाथी सर। हाथी? हाथी? हाँ जी सर। ये उसने बताया ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, आप ये बताओ कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सर पापा जी? सर पापा लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में सांप सुट रहे सर। लॉरेंस बिश्नोई? अरे बेटा बेटा बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? निन्नी बैठो। धन्यवाद। शाबाश शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। बच्चों लिखो लिखो लिखो, कौन सी चिड़िया सबसे ऊंची उड़ती है? हाथी। हाँ सही जवाब, सही जवाब। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हाँ कोई बात नहीं, किसी भी चीज की कमी हो मेरे पास आना। जी सर जी सर। तो अब अगला कौन है बेटा? सुरेश। अच्छा तो एक साइंटिस्ट का नाम बताओ। आलिया भट्ट। बेटा आलिया भट्ट ये सिखा दो तुम सबको, नालायक हो? नहीं गुरुजी, इसकी कोई गलती नहीं है, ये बचपन से ही उतरा है, इसका मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा आर्यभट्ट, हाँ तब तब ठीक है, तब ठीक है। बेटा मुकेश तुम बैठ जाओ। अच्छा तो तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ बेटा, सन 1869 में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। अच्छा गांधी जी का जन्म तो हुआ था बेटा, लेकिन जितनी देर में तुम्हारे गांधी जी जन्म ले रहे हैं दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, जवाब तो ठीक है फिर भी। अच्छा ये बताओ कि सन 1872 में क्या हुआ था? गांधी जी 3 साल के हो गए थे। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, बैठ। साइलेंस साइलेंस इन द क्लास प्लीज। साइलेंस क्या होता है? तुम चुप रहो, सबसे बदतमीज लड़के हो तुम क्लास के। पिंकू, पिंकू नाम है तुम्हारा। थैंक यू सर, थैंक यू। सो लेट मी आस्क यू वन मोर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। जिग्नेश प्लीज स्टैंड अप। सो टेल मी सर, टेल मी अ नेम ऑफ एन एनिमल हु लिव्स इन डेजर्ट। सर अ कैमल। अच्छा हां क्या, हां वेरी गुड वेरी गुड। टेल मी अनदर एनिमल हु लिव्स इन डेजर्ट। सर अनदर कैमल। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बैठ जाओ बैठ बैठ जाओ। तो बेटा तुम सबको मैं एक बात बताता हूँ, दिल्ली में कुतुब मीनार है। बेटा उठ जाओ उठ जाओ, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय इतनी बेशरम हो तुम। अच्छा तो ये बताओ अभी मैंने क्या कहा? तो हाँ बोले दिल्ली कुत्ता बीमार है। रहने तुम,
अच्छा तो ये बताओ, कल मैंने बेडरूम है तुम्हारा, ये नींद लगी है सारे कुछ नहीं होता तुम्हारा। अच्छा तो ये बताओ, मैंने तुम्हें एक लेसन याद करने के लिए दिया था, तुमने किया है? ना गुरुदेव, नहीं किया। क्यों नहीं किया गुरुदेव? लाइट ही नहीं। अच्छा तो लाइट आई ही नहीं? लाइट आई, मैं पढ़ने बैठा, फिर चली गई। अच्छा पढ़ने बैठे फिर चली गई? अच्छा तो उसके बाद नहीं आई? उसके बाद आई, मैंने सोचा बैठूंगा फिर चली जाएगी, फिर मैंने किया ही नहीं। साइलेंस साइलेंस इन द क्लास, तुम सबसे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओके गुरुदेव। तो अगला बेटा महेश, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नो सर, नो सर, कोई भी दिक्कत? हाँ कोई होगी तो मेरे पास आना। जी सर, जी जी। तो बेटा जिग्नेश खड़े हो जाए। यस सर। अच्छा तो ये बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, ए के बाद क्या आता है? गुरु जी ए, ए क्या बोलती है? बेटा क्या मैं बोलू, बेटा तेरी जान निकालूंगा मैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। गुरुजी अंग्रेजी गई बाढ़ में, आप हाथ तो लगा के बताओ, स्कूल के बाहर मिला चार बजे। नहीं 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 नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और बेटा पिंकू चुप रहो प्लीज, क्लास है ये, प्लीज चुप रहो। बिल्कुल। तो एक और बात बताता हूँ तुम सबको, कि जो इंसान अपनी बात दूसरों को नहीं समझा पाता ना, वो सबसे बड़ा गधा होता है। गुरुजी क्या कहा, समझ नहीं आया कुछ? सारे गद्दे नहीं 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 रहन दो। क्या क्लास मिली है मुझे। तो अब अगला कौन है? पप्पू। जी गुरुजी, पप्पू है नंबर। पप्पू बेटा सबसे होशियार लड़का जो है क्लास में वो नहीं, पप्पू नहीं महेश है। थैंक यू थैंक यू। महेश है, उसके बाद पप्पू है। तो ये बताओ कि बहुत एक आसान सा सवाल पूछता हूँ तुमसे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क है? गुरुजी इंपोर्ट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा। बेटा ये क्या साइलेंस साइलेंस। बेटा थोड़ा ढंग से जवाब प्लीज। अच्छा तो ऐसी कोई कहानी सुनाओ जिससे हमें कोई सीख मिले। गुरुजी मैंने उसको कॉल किया। हाँ ठीक है। उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। वो भी ठीक है। फिर उसने वापस मेरे को कॉल किया। अच्छा। मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। अच्छा तो इससे सीख क्या मिलती है? गुरुजी इससे सीख ये मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ प्लीज हमसे जवाब दो। तो अगर मरने के बाद यमराज, अरे पिंकू कितनी बार बोलो तुझे, चुपचाप बैठा कर क्लास में। चुप्पी है, बस गप मारना है थोड़ी, दिन भी बात क्या करना, बस बस। तो अगर मरने के बाद यमराज तुमसे पूछे कि तुम्हें स्वर्ग जाना है या नरक, तो तुम क्या बोलोगे? गुरुजी मैं तो यमराज से ये बोलूंगा कि पृथ्वी से मेरा फोन और चार्जर ले चले, फिर मेरे पास की जितना मर्जी रख लियो, वो नरक जो इधर स्वर्ग मेरे ही लाना। कुछ नहीं हो सकता तुम सब, कसारे खड़े हो जाओ। तुम सबके जवाबों ने मेरे सिर में दर्द लगा दी है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बदमाश हो या लॉरेंस बिश्नोई का बेटा, छठे का दूध याद दिलाऊंगा तुम सबको। भागो। तो मेरी उम्र हो चुकी है, ऊपर से इनके जवाब मेरे सीने में दर्द उठ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है चक्कर चक्कर आ रहे हैं। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को जल्दी जल्दी।